सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं मनीष जायसवाल लाइफ फ्रॉम एस्पायरिंग लाइफ आज कैची धाम बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता था कि आप लोगों को बताऊँ ये ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे कई सारे सेमिनार्स सा, अखरौज हिमाचल ऋषिकेश और कई सारे जगहों पे अभी हो रहे हैं और उसी के एक जर्नी के दौरान हमें मौका मिला कि हम जा सके कैची धाम कैची धाम में हम लोग आज पहुंचेंगे और दर्शन के बाद वापस दिल्ली लौटेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स स्पेशली सहारनपुर यमुनानगर दिल्ली आसपास जो भी मिलना चाहते हैं हमसे बहुत जल्दी मैं दिल्ली रहूंगा एटलीस्ट अगले दो एक दो दिन और उसके बाद फिर मेरी जर्नी अलग अलग स्टेट्स पे होगी काफी दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ नहीं रहा हूँ कई सारे लाइफ के सेशन करने का प्लान किया बट पहाड़ों में कई बार इंटरनेट उतने अच्छे नहीं रहते इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो ही बनाना पड़ा लाइव नहीं जुड़ पाया अभी आप लोगों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ तो टू एक्सप्लेन यू दैट ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के लिए कई सारे कंट्री से बच्चे जो पहुंच भी गए थे अब लौट भी गए कई सारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाए कई सारे बच्चों को ठंड और वहाँ के एजुकेशन इन्वायरमेंट वहाँ पर लैंग्वेज का पढ़ना पहली साल में मेडिकल एजुकेशन ना होना ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया और उनको भेज दिया गया पढ़ने के लिए अब्रॉड इस तरह के मिसगैडेंस के बाद जब आप कंसल्टेंट को फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं फिर वो एग्ज़ाम्पल देते हैं देखो सीनियर्स के थ्रू प्रेशर दिलवाते हैं बच्चों पर कि भाई सीनियर्स आप समझाओ बच्चों को कहीं ना कहीं से एक ब्रेन वॉशिंग ब्रेन मैपिंग यही सब चीज़ें चल रही है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाएँ प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जाएँ जस्ट बिकॉज किसी भैया ने बोला किसी पड़ोसी ने बताया किसी लोकल कंसल्टेंट ने आपको गाइड कर दिया और आप चले गए तो वो हालत हो रही है आज कम से कम नहीं भी तो मेरे पास दस से बारह ऐसे लोग अप्लाई किए जो दूसरे कंट्री में गए अभी वापस लौट रहे लौटने के बाद अब वापस बांग्लादेश और दूसरे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्यों क्योंकि वहाँ जाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली एजुकेशन के नाम पे वहाँ पर लैंग्वेज और एक बहुत अच्छा लाइफ दिया जा रहा है बट ना टीचर्स है ना वहाँ का फोकस मेडिकल एजुकेशन है आपको खुद पढ़ना है मैरो वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले करके और एफ निकालनी है और यही रीज़न है कि एन रेगुलेशन भी इतनी स्ट्रिक्ट बनाई गई है जो कि फ्यूचर में बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्चुअल उसका चेहरा दिखाएगी आईना दिखाएगी दो तक बहुत चीज़ें क्लियर होगी लाइसेंस टू प्रैक्टिस इंटर्नशिप ये सब चीज़ को लेकर बहुत सारे तरीके से गुमराह किए जा रहे हैं कई स्टूडेंट्स को कई कंट्रीज़ में एडमिशन करा के और हज़ारों में बच्चे जा भी रहे हैं जितने भी हम गाइडेंस दें एक साथ कम पड़ जा रही है बट बच्चे तो जा ही रहे तो हमारे पास भी मौका था कि हम भी जाकर उन कंट्री को फट से भर दे सौ दो एडमिशन सौद कर दें क्योंकि हज़ारों की जनसंख्या में जब कंट्रीज़ वैसे कंट्रीज में बच्चे जा रहे हैं जहाँ लाइसेंस वगैरह की क्लैरिटी नहीं है जहाँ टीचर्स नहीं है जहाँ लैंग्वेज ही मेजर है पढ़ाई तो ढंग से जी नहीं जा रहे छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ को काइंड ऑफ रेंट पे ले करके बच्चे भर दो हजारों में ये सारी चीज़ें हो रही है और मैं चाहूँगा कि जो बच्चे एक्चुअल में मेडिकल का एजुकेशन चाहते हैं जो एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं एज ए डॉक्टर एक रिस्पेक्टेड पोजिशन में जाना चाहते हैं पी क्रैक करना चाहते हैं इंडिया आकर के उनके लिए शायद ये सब तरीका नहीं है तो उनके लिए हाँ, इस्पाइंग लाइफ के चैनल पे बहुत सारे गाइडेंस के वीडियोज़ है पुराने पुराने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ है ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे साथ वन टू वन काउंसलिंग चाहते हैं दिल्ली और आसपास के रीजन से मैं अवेलेबल हूँ अगले दो तीन दिन मैं नीचे दिए नंबर पर कॉल करिए आज कैची धाम जा रहा हूँ और वहाँ से लौटूँगा दिल्ली तो मिलते हैं आपको दिल्ली में थैंक यू सो मच